हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ मटन कोफ्ते, या मीट बॉल भी इसे कह सकते हैं। इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो मैं ये मीट बॉल बनाऊँगी, इसे आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, और जब ये फ्रोज़न हो जाएगा तो जब दिल चाहे आप इसकी हर तरह से रेसिपी बना सकते हैं। आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या आप इसको करी भी बना सकते हैं, इसका बिरयानी भी बनता है। तो जैसा दिल है वैसा बनाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर रहेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसके मैंने सारे बोन्स और जो इसकी चर्बी या स्किन्स है वो सब अच्छे से निकाल के इसके पीसेस को छोटे छोटे करके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 से 4 बार आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। अच्छे से वॉश करने के बाद एक छन्नी की मदद से इसका अच्छे से पानी निचोड़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, और मिक्सर जार में हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं ग्राइंड होगा। तो बस थोड़े से क्वांटिटी डालिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप अगर नहीं पीसना चाहते हैं तो आप खड़ा भी इसे काट सकते हैं। तो बस इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे मटन के पीसेस को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा भी इसे हमें नहीं पीसना है, नहीं तो फिर कोफ्ते में टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब हमने सारा पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच के करीब कच्चा पपीता। इससे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे अगर आप इसमें कच्चे पपीते का 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। तो 1 किलो मटन में मैंने 1 चम्मच कच्चा पपीता का पेस्ट डाला है। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। 1 से ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, बस इसमें हम अच्छे से 1 नींबू का रस को निचोड़ लेंगे। इससे भी कोफ्ते को बहुत सॉफ्ट करता है नींबू का रस। तो बस आप इसे नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लीजिए। नींबू डालने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, भुना ज़ीरा है, और काली मिर्च पाउडर, और साथ में गरम मसाला पाउडर। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, बट हमें इसे बहुत दिन तक स्टोर करना है तो आप प्याज स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि प्याज से कोफ्ते जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप अगर सरसों तेल नहीं यूज़ करते तो आप नॉर्मल कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों तेल से कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम इस कोफ्ते को अच्छे से बेंडिंग करने के लिए 2 चम्मच सत्तू डालेंगे। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप बेसन को भूनकर 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसे कम से कम 1 मिनट तक हमें सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, तो थोड़ी भारी तल्ले वाली होगी, वो कढ़ाई ले लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम क्या करेंगे ना, कोफ्ते को एक राउंड शेप में बना बना के अब हम इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो इसे हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लें, और ऑयल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से एक गोल गोल लड्डू के शेप में हम इस कोफ्ते को तैयार करेंगे। तो बहुत अच्छे से दबा दबा के हमें करना है कि जब हम इसे बॉईल करें तो ये फटे ना। तो कम से कम 15 से 20 सेकंड तक अब हम इसे गोला के आकार में लाकर सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे कोफ्ते बनाकर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, इसी सेम कढ़ाई को उठा के गैस पे चढ़ा देना है, और गैस पे रखने के बाद आप गैस को फ्लेम को ऑन कर लें और इसे सिम पर रख दें। स्टार्टिंग आप इसे सिम में रखेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है ना, हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें पानी के छींटे डालना है।
बस अब इसमें हम लीड लगा देंगे कि जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए इसमें बॉईल आ चुका है और इसने अपना भी पानी इसमें छोड़ने लगा है, जितना भी इसमें मैंने मसाला या डाला था ना वो सब छोड़ने लगा है। तो इस टाइम पे भी हमें गैस को सिम रखना है। तो 5 मिनट के बाद देखिएगा इसमें बहुत सारा पानी आ गया है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को हाई करके इसके पानी को ड्राई कर देना है। तो बस गैस के फ्लेम को हाई करके अब हम इसे ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कोफ्ते बिल्कुल बॉईल होके तैयार हो चुके हैं। ये एकदम स्टोर होने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। बस आप इसके सारे पानी को अच्छे से ड्राई करके अब हम एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स ले लेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक एयर कंटेनर बॉक्स ले रही हूँ। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है ना, एक टिश्यू पेपर क्लीन सा रख देना है। इससे क्या होगा ना, इसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगा, नमी नहीं आएगी और ये जो कोफ्ते या मीट बॉल्स है ना इसको हमेशा ड्राई रखेगा। तो इसमें क्या करें, सारे मैंने कोफ्ते को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते को बॉक्स में डाल दिया है, ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे और जब दिल चाहा इसका रेसिपी आप बना सकते हैं। ये ऐसे भी बिना फ्राई किए भी आप इसे खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।